तबस्सुम, तबस्सुम का मतलब है स्माइल। अगर किसी की हंसी बहुत प्यारी है, मृदु हास, हंसी, मुस्कुराहट, हल्की हंसी जो होती है, कलियों के खिलने को भी तबस्सुम ही कहते हैं, स्माइल। तो स्माइल, तबस्सुम और मृदु हास। मसर्रत, मसर्रत, कई महिलाओं का, लड़कियों का आपने नाम देखा होगा, क्योंकि ये एक स्त्रीलिंग है। प्लेजर, डिलाइट, खुशी, इसका मतलब होता है। अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब है आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, यानी कि प्लेजर, जॉय, डिलाइट, ग्लैडनेस, हैप्पीनेस। फलक, एक बहुत अच्छे गायक है, पाकिस्तानी गायक है, फलक शबीर। तो इस फलक का क्या मायने होते हैं? इसके मायने हैं, पहले तो स्काई और हेवन है ही, इसके अलावा एक और चीज है फेट, भाग्य। तो भाग्य, आकाश, गगन, आसमान, अंबर, इसके लिए इस अल्फाज का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। फॉर्च्यून, फेट, स्काई, हेवन। अब है कमर, ये कमर नहीं होती है, कमर है, ध्यान रखिएगा। एक जो शरीर का जो बीच का पार्ट होता है उसको भी हम कमर कहते हैं, यहां कमर। मून, द मून, चांद, क्योंकि मून जैसा कोई और नहीं है इसलिए द लगाते हैं उसके आगे, चांद। तो चांद, चांद तो खैर, चांद, चंद्र, चंद्रमा, ये सारी हम इसके साथ जोड़ते हैं कमर के साथ, द मून। अजमत, ये आपने कई लोगों के नाम सुने होंगे, अजमत। तो अजमत आधा ऐसा है इसमें, तो अजमत जल्दी से आएगा, अजमत। तो इसमें आएगा ग्रेटनेस, मैग्निफिसेंस, महानता, महिमा। इनायत, आपकी इनायत है, आपका रहमो करम है, तो काइंडनेस कहते हैं इसको, मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी, यानी उपकार, अनुकंपा, दया, कृपा, अनुग्रह, जो होनी चाहिए हम सब में होनी चाहिए, फेवर, सपोर्ट, काइंडनेस, courtesy, gift, present। साहिल, साहिल आप कई बार ये शेरों में सुनते हैं, शेर जो होते हैं ना, और कई गाने हैं उसमें साहिल का बड़ा उपयोग होता है, कि साहिल, और इसका मतलब होता है किनारा, लेकिन ये किनारा और बीच दोनों के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप कोई नदी है उसका जो शोर होगा, मतलब एक जो साइड होगा, उसमें भी साहिल यूज कर सकते हैं, साहिल। और कई नाम आप देखते हैं, और शोर, बीच, किनारा, तो किनारे के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, नदी या समुद्र का तट, तो नदी और समुद्र दोनों के लिए यूज करेंगे इसको, बीच, शोर, कोस्ट। मुराद, मुराद, इसके मायने हैं विश या आरजू। जैसे आप किसी चीज की मुराद करते हैं कि मुझे ये सामान मिल जाए या मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं, तो वो आपकी मुराद होती है, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, या कहें ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू। अंग्रेजी में इसको देखेंगे तो विश, इंटेंशन, मतलब आप चाहते क्या है, आपका एंड गोल क्या है, आपकी जरूरत क्या है। आतिश, इसको नॉर्मली हम फायर या अग्नि, आग के साथ जोड़ते हैं, आतिश, लेकिन ऐसे कई शब्द या सेंटेंसेस बन सकते हैं जहां आप ये यूज करेंगे, जब आपको क्रोध है या किसी को क्रोध है, आवेश है, गुस्सा है, अंदर कुछ करने की चाह है, पैशन है, अंदर एक फायर है या फ्लेम, इसको भी हम आतिश बोलते हैं। कशिश, कशिश के मायने हैं अट्रैक्शन, कोई इतना खूबसूरत है या किसी में, किसी की पर्सनैलिटी में इतना स्पार्कल है कि आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, इसे हम कहते हैं आकर्षण, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू राइट नाउ, आकर्षित। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या करता है, जो भी लोहे की चीज है उसको अपनी तरफ खींचता है, तो इसको हम कहेंगे आकर्षण या खिंचाव, खिंचाव, मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन, अल्योमेंट। अर्श, हम कहते हैं ना अर्श से फर्श तक, अर्श, तो अर्श है स्काई, स्काई, तो इसे
आकाश, आसमान, कभी कभी हम तख्त, सिंहासन या किसी पोस्ट के बारे में, छत जो रूफ होता है उसके, उससे भी कभी हम इसको रिलेट करते हैं। तो मेनली ये स्काई के लिए है, लेकिन रूफ हो गया या थ्रोन है, जैसे मैंने कहा सिंहासन, उसके लिए भी इसका उपयोग, हाई स्टेटस के लिए उपयोग करते हैं। अयादत, अयादत, जब आप किसी बीमार का हालचाल लेने जाते हैं, किसी रोगी से उसके बारे में जानने जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अयादत। रोगी का हालचाल पूछना, या कोई सिख है, विजिटिंग द सिख, यानी कि टू इंक्वायर अबाउट वेलबींग फ्रॉम अ पेशेंट, जानना उसके बारे में। गौहर, गौहर खान का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, गौहर, तो उसका मतलब है पर्ल, जेम, पर्ल, मोती। तो शबनम जो सुबह सुबह ओस गिरती है ना, बूंदे, उसको भी हम गौहर ही, यानी शबनम ही कहते हैं, गौहर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा मोती या बहुमूल्य पत्थर के साथ जोड़ते हैं, पर्ल, जेम, या कोई डिसेंट है, ओरिजिन भी कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो बेसिकली हम पर्ल के लिए यूज करते हैं इसको, गौहर। एक 90s में एक मूवी आई थी, पिक्चर आई थी, दिल आशना है, तो उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि आशना मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एक्वेंटेंस, परिचित, यानी वाकिफ, मित्र, दोस्त, प्यार, मतलब वो शख्स जो जाना पहचाना हो, जिसके बारे में आप जानते हो। अब इसको हम प्रेमी, महबूब और आशिक के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक्वेंटेंस से जोड़ा जाता है, फ्रेंड, कंपेनियन, एक्वेंटेंस, जिसको समवन यू रियली नो, पर्सनली नो। आफताब, ये आपने नाम बहुत सुना होगा, कई लोगों का नाम आफताब होता है, यह है सूर्य, सन, रवि, धूप, प्रकाश, उजाला, आफताब। तो सन हो, सनलाइट हो या सनरेज हो, और इसका ब्राइटनेस से भी रिलेशन है, लाइट, ब्राइटनेस, सन, आफताब। फतेह, फतेह, विक्ट्री, कॉन्क्वेस्ट, विजय, मतलब जीतने वाला, फतेह, कॉन्करिंग, ओपनिंग, जैसे अगर आप किसी समिट पे जाते हैं और उसको कॉन्कर करते हैं, तो आपने कहा कि मैंने एवरेस्ट या हिमालय फतह किया है, किला फतह किया है। करीना, करीना, किसी हीरोइन के नाम से भी मिलता जुलता है ये, इसका मतलब होता है सलीका, मोड, वे, मैनर। तो मैनरिज्म के साथ इसको जोड़ते हैं हम, काम करने का ढंग, तौर तरीका, रीति, व्यवहार कैसा है, तो मैनर, मेथड, स्टाइल, इसको हम कहते हैं करीना। काविश, काविश, एफर्ट, प्रयास, एंडेवर, यत्न करना, प्रयत्न करना, मैक्सिमम एफर्ट, एफर्ट यानी तलाश, जिज्ञासा, चिंता, फिक्र, दुश्मनी के साथ भी इसको जोड़ते हैं। तो जुस्तजू, तलाश, या ये कहें कि एफर्ट, एंडेवर, सर्चिंग, ट्राइंग। जबीन, एक नाम बड़ा आपने सुना होगा, महजबीन, तो जबीन का मतलब है माथा, फोरहेड, माथा, फोरहेड, माथा, पेशानी, ललाट, द फोरहेड। कासिद, कासिद, जो लेटर लेके आता है या किसी कि कोई बात आप तक पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं मैसेंजर, एनवॉय, संदेश वाहक, संदेश वाहक, यानी चिट्ठी लाने वाला, ले जाने वाला, पत्रवाहक, नामाबर कहते हैं इसको। मैसेंजर, ट्रैवलर, बेरर, या कैरियर, कोई चीज को लेके जाता है कहीं। शहरियार, शहरियार मायने किंग, सम्राट, किंग, तो राजा हो, शासक हो, बादशाह हो, या जैसे आज के समय हम मेयर कहते हैं, नगर का जो बड़ा, सबसे बड़ा अधिकारी है, तो प्रिंस हो गया, किंग हो गया, या मेयर, किसी सिटी का जो सबसे मेन आदमी होता है, उसको भी हम यही कहेंगे। रुखसार, रुखसार, रुख, रुखसार से आपने कई सारे गाने सुने होंगे, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। चीख, गाल, इसका मतलब होता है गाल, चीख, तो गाल है, चेहरा, चेहरे के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, चीख।
आबशार, आबशार, आबशार कहते हैं इसे। इसमें ब और श इसका साउंड आना चाहिए। इसके मायने हैं वॉटरफॉल, हिंदी में झरना। काश हमारा आशियाना भी किसी आबशार के करीब होता। ध्यान रखिएगा जो क है, जहां काफ लगता है वहां गले के नीचे से आवाज आती है, क। इनायत, इनायत, इसके मायने होते हैं ब्लेसिंग, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद जो हमेशा बड़े देते हैं, कभी हम उनके पैर छूते हैं या उन्हें सलाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है, इनायत। अपनी इनायत इसी तरह हम पर बरकरार रखिएगा। नूर, नूर, आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर आपको काफी चमक दिखाई देती है, उसी को हम नूर कहते हैं। नूर के मायने हैं रेडियंस, चमक। इस नूरानी चेहरे का राज क्या है मेरे भाई? सहर, सहर, इसका ताल्लुक है मॉर्निंग से, सुबह। सुबह और सहर दोनों ही उर्दू के लफ्ज हैं। सुबह, अपने दयार की सहर, दयार मतलब होता है कंट्री या एक रीजन, अपने दयार की सहर मुझे हर वक्त याद आती है। ताबीर, ताबीर, ताबीर का जो रिलेशन है वो जो सपने में आप देखते हैं या सपना देखते हैं किसी चीज का, उसका पूरा होने से है। जैसे इसकी बेसिकली आप जो सोचते हैं उसकी व्याख्या है और सपने से रिलेटेड है। मेरी दुआ है कि आपके ख्वाबों की तामीर हो। देखिए इसमें ख्वाब यूज किया है, ख्वाब, सपना। नजाकत, नजाकत, नजाकत खास तौर पे लड़कियों औरतों से रिलेट करते हैं, ये शब्द उनके लिए यूज होता है। डेलिकेटनेस या कहें फिनेस, नाजुक, इसका मायने होते हैं नाजुक। आपकी मुस्कुराहट में भी नजाकत है, नजाकत है। आफरीन, आफरीन, आफरीन का मतलब है मनमोहक, सुंदर, मनोहारी। आपका आफरीन चेहरा इस रोल के लिए बिल्कुल सटीक है, आफरीन, आफरीन। शमशीर, शमशीर, तलवार, सौड, तलवार, सौड। शमशीरों से मुल्क जीते जा सकते हैं, दिल नहीं। आखिर में आप क्या बोलते हैं? थैंक्स या थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपके लिए भी धन्यवाद, शुक्रिया।